संसदीय सीट सीधी शुरुआती दौर में सोशलिस्टों के कब्जे में हुआ करती थी। पहले दो चुनाव में यह शहडोल सीट के साथ जुड़ी थी, फिर कांग्रेस ने यहां अपनी पैठ बनाकर इसे अपना गढ़ बना लिया। साल 1962, 1967, 1980, फिर 1984 और 1995 में यहां कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होती रही है। हालांकि बीच में कई बार जनसंघ और भाजपा के प्रत्याशी भी जीते हैं। इसके बाद भाजपा ने इस सीट पर अपना स्थायी कब्जा जमाया। कांग्रेस के हाथ से फिसली सीधी लोकसभा सीट अब भाजपा का गढ़ माना जाता है। इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के कई दिग्गजों ने हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त मिली। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह, राहुल भैया और भाई राव रणबहादुर सिंह भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। सीरी जिले के चुरहट के पूर्व राजघराने के सबसे बड़े बेटे व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के भाई राव रणबहादुर सिंह साल 1971 में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। उनके मैदान में आने से भारतीय जनसंघ और कांग्रेस के नेताओं की चुनौती बढ़ गई। जनता ने राव रणबहादुर सिंह पर भरोसा जताया और उन्हें लोकसभा भेज दिया। बताया जाता है कि राव रणबहादुर सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से अर्जुन सिंह नाराज थे। निर्दलीय चुनाव जीतने पर दोनों भाइयों में सियासी मतभेद भी शुरू हो गया। कहा जाता है कि जीत के बाद स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह और उनके भाई रणबहादुर सिंह दोनों भाइयों में विवाद बढ़ गया। अर्जुन सिंह सीट को आरक्षित कराने के प्रयास में जुट गए। विवाद इतना बढ़ गया कि वह भाई के विरुद्ध कोर्ट में गवाही देने तक पहुंच गए। वर्ष 1980 में यह सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित हो गई। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद फिर से यह सामान्य सीट हो गई। उधर राव रणबहादुर सिंह वर्ष 1998 में चिन्मय आश्रम में रहने के लिए चले गए और अंत तक वहीं रहे, वहीं से जुड़े रहे। सीधी लोकसभा सीट 12 दिसंबर 2005 को उस समय पूरे देश में चर्चा में आ गई थी जब भाजपा के तत्कालीन सांसद चंद्र प्रताप सिंह पर सदन में सवाल पूछने के बदले 35,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। रिश्वत लेने का स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया था। आरोपों की जांच करने के लिए सदन ने 23 दिसंबर 2005 को एक विशेष समिति के गठन की। जांच में चंद्र प्रताप सिंह दोषी पाए गए, उनके साथ 11 अन्य सांसद भी दोषी पाए गए। सांसदों को निष्कासित करने का प्रस्ताव सदन में लाया गया। इसके बाद सांसद को निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2007 में उपचुनाव हुआ और 2007 का उपचुनाव कांटे की टक्कर में थी और यहां से जीत हुई कांग्रेस की। वर्ष 2007 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मानिक सिंह चुनाव मैदान में थे। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन भाजपा के तमाम मंत्री और विधायक सीधी डटे रहे तो कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा दिया और यह सीट कांग्रेस ने अपनी झोली में, अपने खाते में कर लिया। क्षेत्र की जनता ने कुमार अर्जुन सिंह के नाम को प्राथमिकता दी और मानिक सिंह जीत गए। मानिक सिंह केवल 1500 वोट से जीते थे। कांटे की टक्कर के इस चुनाव की क्षेत्र में अक्सर चर्चा होती रहती है। अब बात आती है 2014 की। तब 2014 की तत्कालीन भाजपा सांसद गोविंद मिश्रा दूसरी बार 2009 के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे थे। वे स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने वाले थे कि भाजपा ने एक दिन पहले देर शाम तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष रही रीति पाठक को प्रत्याशी बनाकर घोषित कर दिया। रीति पाठक ने चुनाव जीत लिया और 2014 में सांसद बन गई। फिर 2019 में भी रीति पाठक ही यहां से चुनाव लड़ी और फिर चुनाव जीती और दोबारा भी सांसद बन गई और दोबारा अजय सिंह राहुल भैया को कांग्रेस से हरा कर दोबारा रीति पाठक सांसद बनी। इसके बाद बात है साल 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 चुनाव जीत कर भाजपा यहाँ से हैट्रिक लगा चुकी है। यहाँ भाजपा का वोट प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2019 के बाद तात्कालिक सांसद रीति पाठक को अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बतौर विधायक प्रत्याशी के रूप में भाजपा उतार देती है और भारी मतों से रीति पाठक जीतती हैं और विधायक बन जाती हैं। सीधी लोकसभा की बात करें, जिस तरह से मोदी लहर दिख रही है इस बार, तो कोई भी चेहरा भाजपा से अगर आता है उसे जीत ही हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।